प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी, अद्भुत वक्ता, अनेक भाषाओं और विषयों के जानकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के पांचवे सर संघचालक कुप्पाहाली सीतारमैया सुदर्शन का जन्म आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा के दिन 1931 में रायपुर में हुआ था, जो अब छत्तीसगढ़ की राजधानी है। सुदर्शन जी किशोरावस्था में ही संघ से जुड़े थे। उनकी दूरगामी सोच और निर्मल मन उन्हें लोकप्रिय बनाता। जो कोई भी उनसे मिलता प्रभावित हुए बिना न रहता। वे किसी भी समस्या पर गहन मंथन करते और उसका निदान भी सोचते। 70 के दशक में ऐसी ही एक विकट समस्या देश के सामने मुंह बाए खड़ी थी। वह था पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे प्रदर्शन। प्रदर्शन अवश्य पाकिस्तान में हो रहे थे, परंतु उस हिस्से में हो रही हिंसा से परेशान बड़ी संख्या में लोग पूर्वी पाकिस्तान से सटे भारत के इलाकों में प्रवेश कर रहे थे, जिससे पश्चिम बंगाल, असम और बिहार में स्थिति बदतर होती जा रही थी। के.एस. सुदर्शन तब उत्तर पूर्व में आरएसएस के प्रचारक के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्र सरकार को आगाह किया। असम में बांग्लादेशी मुसलमानों की अवैध घुसपैठ को जनसंख्या जिहाद के रूप में पाकिस्तान का नया हथियार माना, परंतु उनकी सलाह को अनदेखा कर दिया गया, जिसका असर भुखमरी, आतंकवाद समेत कई तरह से देखने को मिला। इसके साथ ही 1980 में असम राज्य में सीमा पार से अवैध प्रवासियों को वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक आंदोलन भी हुआ। सुदर्शन जी ने अवैध आवृजन और इसके प्रभाव के अध्ययन के लिए त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश की यात्रा की। उन्होंने इस समस्या से निपटने और मामले को सुलझाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की। के.एस. सुदर्शन जी बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं के प्रति चिंतित रहते। वे कहते कि ऐसे प्रताड़ित हिंदुओं को किसी अन्य देश से भारत में शरण लेने का पूरा अधिकार है और हम भारतीयों को उनके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। असम में घुसपैठियों के कारण असम गण परिषद का निर्माण हुआ था। उस प्रकरण पर उनकी विशेष दृष्टि रहती थी। वर्तमान सरकार द्वारा नागरिक संशोधन अधिनियम और NRC को लागू किया जाना उसी दिशा में उठाया जाने वाला एक ठोस कदम है। सुदर्शन जी ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्हें सामने आने से पहले उभरते हुए मुद्दों का पूर्वाभास हो जाता था। 1977 में जब पूर्वोत्तर भारत में प्रांत प्रचारक के रूप में सेवा कार्य कर रहे थे, तब उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि स्वतंत्रता के पश्चात पूर्वोत्तर के राज्य राष्ट्र से कुछ कट गए हैं, जिसका मूल कारण है उपेक्षा। इन राज्यों में संचार, यातायात और परस्पर संवाद का विकास अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पाना, जिसका लाभ ईसाई मिशनरियां बहुत अच्छे ढंग से उठा रही थी। सुदर्शन जी ने पूर्वोत्तर के राज्यों को प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया और समय समय पर मंथन के अनेक मंचों से इस बात को दोहराया। मंथन मंचों पर बात कहने का असर यह हुआ कि राष्ट्रवादी संगठनों द्वारा इन स्थानों पर छात्रों के लिए कई स्कूल और छात्रावास स्थापित किए गए। उनकी एक और विशेषता थी कि वे जहां भी जाते, जिस क्षेत्र का भी सेवा कार्य संभालते, वहां की भाषा पर पकड़ बना लेते। यही कारण था कि वे लोगों को अच्छे ढंग से कनेक्ट कर पाते और वहां की मूल समस्या को समझकर निदान करते। बांग्ला, असमिया, कन्नड़, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी सहित कई भाषाओं में वे धारा प्रवाह बोल लेते थे। इराक के राजदूत साहले मुख्तार एक बार सुदर्शन जी से मिलने आए। उनसे मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था, आज तक जितने भी लोगों से मेरी भेंट हुई, सुदर्शन जी उनमें सबसे पवित्र व्यक्ति हैं। के.एस. सुदर्शन जी स्वप्न दृष्टा भी थे। वे राष्ट्र की उन्नति के बारे में दिन रात विचार करते और भारत को श्रेष्ठ बनाने के उपाय सुझाते। इन्हीं में एक सपना था, आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ, आज जिस वोकल फॉर लोकल की बात हम करते हैं, वो स्वप्न सुदर्शन जी ने देखा था, जिसे साकार करना आज हम सभी का सपना बन चुका है।